कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में प्रशासन और नगर निगम की बद इंतजामी का खामियाजा सैकड़ों ट्रांसपोर्टर भुगतने को मजबूर हैं। बदहाल सड़क, टूटी नालियां और सड़क पर बहते शिवर के बदबूदार पानी ने ट्रांसपोर्ट नगर के हालात बद से बदतर कर दिए हैं। मामला यह है कि यहां व्यापारियों का अपने दफ्तर में बैठना तक मुहाल हो गया है। लंबे समय से तमाम दुश्मनियों को झेल रहे व्यापारियों के सब्र का बांध टूट पड़ा है। यहाँ व्यापारियों ने ट्रांसपोर्ट नगर के गेट के पास एकजुट होकर प्रदर्शन किया और नगर निगम और प्रशासन से जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की है। आपको बताते चले कि ऐसा हाल तब है जब इसी ट्रांसपोर्ट नगर के रोजाना लाखों करोड़ों का व्यापार होता है। पूरे कुमाऊं के लिए यहाँ सिर्फ वाहनों की सप्लाई होती है। सरकार के राजस्व को बढ़ाने वाले ट्रांसपोर्ट नगर के ऐसे हाल को देखकर समझा जा सकता है कि हल्द्वानी नगर में प्रशासन किस तरह से बाकी शहर में काम करता होगा। जिस पर जानकारी देते हुए महामंत्री प्रदीप सबरवाल ने कहा कि यहाँ की सफाई व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। नालियाँ चौक पड़ी हैं, हर जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नालियाँ चौक होने से गंदा पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों और दुकानों में घुस जाता है, जिससे दुकान स्वामियों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन को कई बार मौखिक और लिखित तौर से भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन नगर निगम व्यवस्था को व्यापारियों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम का ऑफिस भी ट्रांसपोर्ट नगर में खुला है, लेकिन वहां मौजूद किसी भी कर्मचारियों को मतलब नहीं है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सड़कों को लेके, ड्रेनेज सिस्टम को लेके, बढ़ती हुई गंदगी को लेके अब ये हाल हो गया। एक सीमा जब पार हो गई है तो अब ये गंदा पानी हमारी ट्रांसपोर्टों के अंदर भी घुस कर ले गया। या होने को नगर निगम का दफ्तर भी है, कई बार हमारी दौड़ तो होती है कि हम नगर निगम के दफ्तर में हर बात जो भी हमारी यहाँ दिक्कत परेशानी होती है, इसलिए खुला हुआ है नगर निगम का दफ्तर कि हमारी परेशानी सुने। लेकिन ये हमारी परेशानी को सुनने के बजाय ये एक सुन से कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। अब तो हर किस्म की परेशानी हम नगर निगम दफ्तर में यहाँ आके कहते हैं, पर उनको कोई इस चीज़ का असर नहीं होता। नालियाँ गंदी हो पड़ी हैं, रोडें बिल्कुल, जो रोडें कुछ टाइम पहले 6 करोड़ रुपये बनी थी वो तो जगह जगह से फूट चुकी हैं। ड्रेनेज सिस्टम को ये ठीक नहीं कर रहे हैं, नालियों की सफाई न होने की वजह से ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं हो रहा है और हम मजबूर हो गए। मेन गेट पे आप लोग देख रहे हैं कि कितना बड़ा गड्ढा हो चुका है। ट्रांसपोर्ट नगर के 3 गेट हैं, आप तीनों गेटों पर जाके मुआयना कीजिए, उसका आप पहले सर्वे कीजिए। हर गेट पे इतने इतने गहरे गड्ढे हो चुके हैं कि वहाँ से जो मेन गेट है ट्रांसपोर्ट नगर का, जहाँ से प्रवेश गेट है, उस गेट पर पूरा शिवर का पानी आ रहा है।